चलता हूँ। सॉरी, दो दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी रिकवरी करवा दूंगी मैं, और अपने बाबा से कह दीजिएगा दोबारा मेरे बाप को बेटा ना होने का ताना मत दें। दद्दू समर्थ भाई के रेस्टोरेंट की वीडियो तो आपको बनानी होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन दुश्मनों के काम नहीं आऊंगा, बता दिया तुम्हें। दद्दू ये भी तो दुश्मनों के मुंह पे थप्पड़ होगा। अरे जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी लाश से बनवा लेना वीडियो। दद्दू प्लीज ना, एक मिनट की वीडियो बना देना। मगर उससे होगा क्या भाई? देखिए आपके फैंस का रश बढ़ेगा उस रेस्टोरेंट में, फिर एक दिन में हो जाएगी हमारी सारी रिकवरी। बेबी जब तक ये गले वाली फील खत्म नहीं होती मैं कोई काम नहीं करूंगा बस। दद्दू बाय गॉड मटन का गोश्त था, मैंने खुद सुना था, आदम आंटी को बता रहा था। अरे तुम पागल हो गया, उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया बस। अरे दद्दू वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए कह रहा था, आप खुद सोचे वो ऐसा गोश्त क्यों रखेगा अपने रेस्टोरेंट में। और प्लीज दद्दू आप बार बार एक चीज का नाम लेना बंद कर दें और बस उस चीज पे फोकस करें जो मैं कह रही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारा यू टर्न नहीं समझ में आता, या तो उसके खिलाफ हो जाती हो या फिर उसके हक में नारे लगाने लगती हो। दद्दू ही ठंडा इंतकाम है, लेकिन सोचे हमारे दुश्मनों के बिजनेस में इजाफा होगा, वो भी हमारी वजह से, ताकि ये दाग तो उतरे कि हमारी रस्म का नुकसान हुआ है। मेरी बिटिया ये टोपी तुम पे बहुत जचती है, तुम पहनो, मुझे पहनाने की जरूरत नहीं है, ये हटो यहाँ से। अरे दद्दू